सबसे पहली चीज, एक नए क्रिएटर जब बनते हैं या फिर नए नए वीडियोस बनाते हैं, उनके मन में बहुत सारा सवाल रहते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन वो जब कंटेंट बनाते हैं, कभी कभार अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को, मोबाइल स्क्रीन को, या फिर कभी कभार अपने कोई लेटर को शो करते हैं वीडियो के अंदर व्यूअर्स को दिखाने के लिए, व्यूअर्स को ट्रस्ट देने के लिए, और तभी एक गलती ऐसे कर बैठते हैं जो जिंदगी भर उसको भुगतने पड़ते हैं। वो है अपने ईमेल, पर्सनल नंबर या फिर पर्सनल एड्रेस को शो करवाना। उसको ऐसे लगते हैं कि भाई मुझे एडिट नहीं आते हैं या फिर शो कर देंगे तो क्या आता जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने ईमेल या फिर नंबर को शो कर देते हो, वो उसको हैक तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप आगे जाके बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो। एक तो आपके नंबर पे बहुत सारा कॉल्स आ सकते हैं, दूसरा आपके जो जीमेल है उससे अगर वो 18+ एडल्ट वेबसाइट या फिर कुछ गलत वेबसाइट पे जाकर वो सब्सक्रिप्शन कर दिया तो उसका नोटिफिकेशन या फिर उसका ईमेल जो है ऑटोमेटिक आपके मेल पे आते रहेंगे, जो आपके लिए इरिटेट होगा। बेसिकली मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आपके प्राइवेसी है, जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो कभी भी, चाहे वो एक सब्सक्राइबर वाला चैनल है, चाहे आपके पास 100K सब्सक्राइबर वाला चैनल है, लेकिन आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी गलती ये है, स्पैमिंग करना। मतलब एक नए क्रिएटर जब वीडियो बनाते हैं, वो कभी सोचते ही नहीं मैं ऐसा गलती कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंजाम मुझे बहुत भारी देना पड़ेगा। बेसिकली ये ज्यादातर होता है गेमिंग चैनल पर, जहाँ पे लोग गेमिंग कंटेंट डालते हैं, मोंटेज डालते हैं या फिर कोई गेमिंग लीक डालते हैं, न्यूज डालते हैं। हाल ही में ये तो टेक्निकल चैनल पे भी शुरू हो गया है। अगर आप कोई टॉपिक को लेकर यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो, वहाँ पे अगर आप किसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाते हो, वहाँ पे जाके देखोगे कि भर भर के टैग दिया हुआ है। मतलब कॉमा लगा के इतने सारे कीवर्ड्स वहाँ पे यूज करके रखे हैं, मतलब टैग देने की वहाँ पे जीरो भी और एक जगह नहीं बचे हैं। हैशटैग से लेकर, कॉमा से लेकर, फुल स्टॉप से लेकर, ब्रैकेट से लेकर, जो भी चाहिए था, इमोजीज भी दे देते हैं। मतलब वहाँ पे जितना हो सकते उतना भर देते हैं। देखो गाइस, यूट्यूब इस बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर अभी तक आपके चैनल मोनिटाइज नहीं हुए तो आप ये तजुर्बा यहाँ पे कर रहे हो, यूट्यूब को पकड़ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आप बच रहे हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मैं आपके सामने प्रूफ दे सकता हूँ कि ऐसा भी चैनल है जिसका मोनिटाइजेशन डिसेबल कर दी चुकी है बस स्पैम करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन इसके बारे में वीडियो चाहते हैं या फिर आपको नहीं पता है, हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक तौर पर हम आपको सारे चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप किसी भी तौर पर वीडियो बनाते हो, उसी तौर पर आपको एक डिस्क्रिप्शन डालना है। बेसिकली वीडियो के अंदर आपने क्या क्या बताए हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये कभी नहीं था कि आप वहां पे जाके टैग को डालो या फिर सर्चेबल कीवर्ड्स को लेकर वहां पे रख दो। लेकिन किसी किसी तौर पर आप तजुर्बा लगा के या फिर कुछ टेक्निक फॉलो करके यूट्यूब से थोड़ा सा छुपके से आप ऐसे टैग यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टर्म्स कंडीशन फॉलो करना हो। उस बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो गलतियां हम करते हैं, वो तो आपको पहली स्टेज में समझ नहीं आते हैं, लेकिन जैसे दिन बीतते हैं, आपके चैनल बड़ा होते हैं, उसके बाद जाकर आपको समझ में आते हैं क्या बड़ी गलती मैंने कर दी, और वो है मिक्स्ड कंटेंट। बहुत सारे यूट्यूबर आपको कहेंगे भाई मिक्स्ड कंटेंट मत डालो। इसका बहुत बड़ा रीजन है। मानो आपने एक वीडियो बनाया रोटी कैसे बनाते हैं, हमेशा मैं रोटी वाला क्यों चूज करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आपने वीडियो बनाया आप रोटी कैसे बनाते हैं, उस वीडियो वायरल हो गए। उसके पहले आप बहुत सारे वीडियो बनाए थे, लाइक आप कैसे साइकिल चला सकते हैं, आप एक ब्लॉगिंग डाले थे, उसके बाद आपने वीडियो बना दी रोटी कैसे बनाते हैं, वो वीडियो वायरल हो गए, उसमें 3 लाख व्यूज आए, उसमें से 10,000 आपके सब्सक्राइबर्स आए। उसके बाद जाकर आपके चैनल चल पड़े, थोड़ा बहुत आपने रोटी वाला वीडियो डाले, समोसा वाला वीडियो डाले, या फिर उसके कुछ दिन बाद जाकर आपने फिर से एक वीडियो डाले, भाई मैंने एक फ़ोन खरीदा है, ये वाला फ़ोन ओप्पो A35 या फिर ओप्पो की कोई फ़ोन मैंने खरीदी है, या फिर आईफोन खरीदा मैंने यूट्यूब के मनी से, ये वाला आईफोन कैसा है, वो वीडियो डाले, वो वीडियो भी वायरल हो गया, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे व्यूज आए। उसके बाद जाकर आप वीडियो बना रहे हो, मेरा आईफोन 12 मैक्स का कितने अच्छे कैमरा है, किस तरीके से मैं इस पे फिल्टर लगा सकता हूँ, कैसे इसको एडिट कर सकता हूँ, उसके बाद जाकर आपने देखा वो वीडियो भी वायरल हो गया, एंड देन आपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कैसे इस फोटो से इस तरीके की फ़ोटो बनाते हैं। तो पहले कहाँ थे भाई, रोटी पे, रोटी से कहाँ गए आप पूरा एकदम फिल्टर बनाना शुरू कर दिए। अब इस ऐसे तो आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, पहले था रोटी, यहाँ पे आ गए फिल्टर, इसके बीचों बीच जितने भी कंटेंट आपने डाले, सब में से 10-15 या फिर 100,000 1,500-2,000 करके सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आए। भाई ये आएंगे, लेकिन इसको पसंद था आपके रोटी वाला वीडियो, बीच वाले को पसंद था आपका ब्लॉगिंग वाला वीडियो, उसके बाद वाला का इंटरेस्ट था आईफोन वाला वीडियो, यहाँ पर था आपके आईफोन के कैमरा वाला वीडियो, और यहाँ पे आपके एडिट वाला वीडियो। ये सारे अलग अलग तरीके से आपके चैनल पे आए, ये सारे जो सब्सक्राइबर्स है इसका सोर्स है अलग, मतलब इस ये जो रोड पे आना चाहते हैं वो अलग है, सबका अलग है। तो आप यहाँ पे आके अटक जाओगे कि आप समझ नहीं पाओगे कौन से कंटेंट लोग देखेंगे। मतलब आपके चैनल पे चाहे 500 के सब्सक्राइबर्स है, आप इस
तौर पे आके अगर आप वीडियो डालते हो, कोई भी वीडियो डालो, उसमें आपका व्यूज़ नहीं आने वाला, क्योंकि आपके ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स नहीं है, एक तरीके की सब्सक्राइबर्स नहीं है इस चैनल, ये जो चैनल मैंने बनाया है यहाँ पे बस क्रिएटर का चैनल है। इस चैनल के ऊपर जो भी आएंगे वो क्रिएटर ही होगा। उसके लिए ये चैनल फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग रहेंगे क्रिएटर होंगे, आप भी क्रिएटर होंगे। कभी भी मैं यहाँ पे ऐसा गलती नहीं करने वाला कि इसके अंदर दूसरा कोई सब्सक्राइबर्स आ जाए, दूसरा कोई व्यूअर्स आ जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। वो लोग ना आए तो ही बेहतर है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अगर कोई कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो फोकस कीजिए उसी कंटेंट के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर, उसी नेच के ऊपर आप काम करते रहिए, ना कि मिक्स्ड कंटेंट डालिए। गाइस देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन जितने भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम 100% पूरा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो गलती हम करते हैं वो है लेजी वर्क, मतलब हम लोग लेजी हो जाते हैं, आलस हो जाते हैं। इससे क्या होता है, देखिए पहली दफ़ा में जब हम चैनल क्रिएट करते हैं, मेरा खुद का भी देख लो जाके, पहले वाला वीडियो मैं मोबाइल से शूट करके अपलोड कर देता था, कोई एडिट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, ये गलती नहीं करना चाहिए। क्योंकि गाइस देखो, सबसे पहली बात, आप जब एक नया चैनल बनवाते हो उसके ऊपर आप अगर काम करना चाहते हो, उसके बाद आप लेजी होके, आलस होके एडिट नहीं करते हो अच्छे से, बस कैमरा पकड़ा, कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर दी या फिर कोई गेम रिकॉर्ड कर दी, वो अपलोड कर दिया, ऐसे करते रहे एक महीना दो महीना, आज एक वीडियो अपलोड किया, तीन दिन बाद और किया, चार दिन बाद, छः दिन बाद, एक हफ्ता, एक महीना, ऐसे करके गैप दे देकर अपलोड किया। लेकिन आपके वीडियोज़ पे व्यूज़ यूट्यूब पहली दफ़ा में देंगे, कुछ भी हो जाए आपके वीडियो पहली दफ़ा में यूट्यूब प्रमोट करेंगे ही, भले ही आप टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग क्यों ना दो, आपके वीडियो प्रमोट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये देने से सही ऑडियंस तक जाएंगे आपके वीडियो। तो ये तो रहा आपके वीडियो प्रमोट होंगे, लेकिन अब जब ये लेजी होके काम करते हो, चाहे आपके चैनल पे टोटल व्यूज़ आए 10,000, उनमें से सब्सक्राइबर्स कितने हुए 10, ऐसे चैनल बहुत है, आप जाके चेकआउट करोगे कभी ना कभी सामने आएंगे, 10,000 आपके टोटल व्यूज़ है लेकिन सब्सक्राइबर्स से 10, क्यों? आप लेजी थे, आलस थे, अच्छे तरीके से बता नहीं पाए, अच्छे तरीके से एडिट नहीं कर पाए, अच्छे कोई कंटेंट नहीं ढूंढ सके। तब भाई मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर काम कर रहे हैं तो थंबनेल, कम से कम थंबनेल तो सबसे बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर कर रहे हैं थंबनेल। जब आपके क्लिक ही थंबनेल ही नहीं होंगे, आपके वीडियोस का थंबनेल ही अच्छा ना होगा, लोग अगर क्लिक ही नहीं करेंगे तो वो देखेंगे कैसे? मतलब होटल तो आपने खोल के रखे हैं, खाना बहुत बढ़िया है, कमाल के है, सब कुछ एकदम बराबर है, लेकिन होटल का जो शटर है वो डाउन है, तो लोग अंदर कैसे आएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको सबसे पहले यहाँ पे थंबनेल बेहतर बनाना चाहिए, उसके बाद आप वीडियोस पे थोड़ा थोड़ा करके फोकस करो, अच्छा दिन ब दिन ज़रूर होगा, और नहीं होगा हम है ना भाई, सिखा देंगे। अब ये जो गलतियाँ हैं ये वो लोग करते हैं जो टीन एज है या फिर थोड़ा थोड़ा बच्चे जो हैं, वो लोग ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, थोड़ा बहुत बड़े भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन आपको बहुत सारा भर भर के मिल जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर, या फिर ऐसे बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएंगे, फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे, सब फॉर सब। इसे क्या होते हैं, सब पर सब का मतलब है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको करूँगा, ऐसे करके लोग ग्रो करते हैं। कुछ कुछ लोग तो पेमेंट करके सब्सक्राइब लेते हैं, मतलब पैसे देकर खरीदते हैं सब्सक्राइब, वेबसाइट ऐसे बहुत सारे हैं, विश्वास ना हो जाके देख लो भाई। लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है और बहुत गलत चीज़ है। पहली बात तो ये, आपके जितने भी पैसे हैं उसका तो वाट लगने वाली है, दूसरी बात आपके टाइम का वाट लगने वाली है। देखो, अगले वाला बंदा जो अपने फायदे के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो कभी आपके वीडियोस देखेंगे? सब्सक्राइबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता भाई, पैसे इनकम नहीं होता एक भी, मतलब उस सब्सक्राइबर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खतरा है, ये आपको पता है? शायद नहीं पता है, मेरा एक चैनल डेड है, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, देखो भाई सब्सक्राइबर्स पर फोकस मत करो, आप कंटेंट पे फोकस करो, वीडियोस पे फोकस करो, ये मानो कि वीडियोस पे व्यूज़ आए और एक तरीके की व्यूज़ आए, बस इतना ही। देखो भाई, सब फॉर सब जो है बहुत गलत चीज़ है, ये मत करो, इससे आपका चैनल टर्मिनेट हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर YouTube को पता चला, आपको कभी भी मोनेटाइजेशन का सुविधा नहीं दी जाएगी। एंड तीसरी बात, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स रहेंगे वो डेड रहेंगे, एक भी व्यूज़ नहीं आने वाला, एक दो लोग आएंगे, क्लिक करेंगे, 30 सेकंड तक नहीं देखेंगे, 10 सेकंड देखेंगे, बंद करके चले जाएंगे, ऐसे ही होते हैं भाई। तो ये सब गलती मत करो, मतलब सब पर सब तो कभी नहीं करना है, उससे तो बेटर ये है, अगर आप पैसा गंवा रहे हो या फिर आप पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, गूगल एडवर्ड के ऊपर जाओ, ऐड चलाओ, अपने चैनल का ऐड गूगल से खरीद के चलाओ, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। सही ऑडियंस तक आपके वीडियो पहुँचेंगे, वो लोग आपके वीडियोज़ पे आएंगे या फिर आपके वीडियोज़ देखने की कोशिश करेंगे, आपके चैनल पर सही ऑडियंस आएंगे, ये तो बहुत बेहतर है, उससे काफ़ी गुना बेहतर है। लास्ट में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है पहले एक नए क्रिएटर के ऊपर, लेकिन अगर ये आपने मेंटेन कर लिया
लगभग एक साल अगर आपने मेंटेन कर लिया और सही तरीके से मैं आपको जो गाइड करता हूँ टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरीके से देना है या फिर जो जो न्यूज़ मैं आपको देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस जो कहते हैं उसी के हिसाब से जो मैं आपको कहता हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं पूरा ना है सही 50% भी अगर आपने फॉलो करते हैं और ये लास्ट वाला काम अगर आपने कर लिया एक साल के अंदर आपको मतलब कोई रोक नहीं सकता, आपको बहुत पैसे आप कमा सकते हो इस एक साल के अंदर, वो भी हर महीने, मतलब शुरुआत में नहीं कुछ दिन बाद जाकर। देखो ये जो बात है ये दिमाग में रख लो, हर वीडियो में एक बार ये बात कहता हूँ, एज ए जॉब कंसिस्टेंसी, आपको यहाँ पे कंटिन्यू काम करना है, चाहे आप हफ्ते में एक बार क्यों ना हो, चाहे आप महीने में एक बार क्यों ना हो, चाहे आप दिन में क्यों ना एक बार हो, चाहे आप 3 दिन में एक बार क्यों ना हो, मतलब आप जब वीडियो डालना स्टार्ट करोगे आपने फिक्स कर लिया कि मैं हफ्ते में 3 वीडियो डालूंगा कुछ भी हो जाए। अगर अगले हफ्ते में आपका कोई शादी अटेंड करना है, कोई भी आपके ओकेशन अटेंड करना है, तो वहाँ पे आपको 3 वीडियो स्टॉक में लगा के रख के शेड्यूल करके जाना होगा। भाई जो भी है कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना ही होगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा चीज़ ये है, सबसे बड़ा रीज़न ये है, कंटिन्यू जो नहीं रहते उनका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होते हैं। तो बेसिकली यही गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए, ये सब गलती करने से आप कभी भी यूट्यूब के ऊपर ग्रो नहीं हो पाओगे। अगर आप एक क्रिएटर हैं या फिर क्रिएटर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी क्रिएटर है बस वही लोग हमारे चैनल के ऊपर रहें। अगर आपको नहीं पता हफ्ते में कितने वीडियो अपलोड करना चाहिए, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या कहते हैं, तो आप ये लेफ्ट वाला वीडियो को चूज़ कीजिए। और अगर आपको नहीं पता 2023 साल में यूट्यूब के अंदर क्या क्या बड़े बड़े अपडेट आने वाले हैं, तो आप ये राइट वाला वीडियो को चूज कीजिए। बीच वाला गोल बटन दबा के प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।